गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स। कल के वीडियो के अंदर बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट सभी मेथड उसके अंदर आ गए। छोटा मोटा जो चेंजेस था वो आप समझ सकते हो, कर सकते हो। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हो। आज चैप्टर नंबर 10 पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हमारे पास। तो नंबर 10 वेक्टर एलजेब्रा क्या है, क्वेश्चन चैप्टर नेम वेक्टर एलजेब्रा। स्टार्टिंग बिल्कुल छोटी चीज से और एमसीक्यू में बार बार आने वाली चीज है, ऐसी बहुत इजी चीज से करते हैं। उसी के हिसाब से आपका एक्सरसाइज 10.1 तो बिल्कुल इजी है, ओनली जस्ट एक्सप्लेनेशन वाला है। ना तो वो एमसीक्यू के लेवल का है, ना तो फिर नॉर्मली एनसीईआरटी में आता है, बेसिक है। 10.2 के कुछ कंटेंट क्लियर हो जाएंगे आपको, तो रिविजन भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा एमसीक्यू वेक्टर एंड डायरेक्शन के आज एमसीक्यू उठाते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ द डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट कोलिनियर व्हाटएवर एसेट्रा एसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या मांगा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करके एक्स बार हमें दिया है -2, एक्स बार इज इक्वल टू -2, 1, -2, -2। देन आफ्टर आगे एक्सप्लेन करना चालू करें तो यूनिट वेक्टर ढूंढना है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर खुद और नीचे इसका मॉड, वेक्टर खुद और नीचे उसका मॉड, सिंपल है। चलो वेक्टर खुद क्या, तो -2, 1, -2, और इसका मोड तो हम यहां से अलग से बना देते हैं, ऊपर जगह नहीं है इसकी वजह से। तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो ओवर 9 हुआ, आंसर आया 3। तो डिवाइड बाय 3। अब आपको जैसे लिखना है, ऑप्शन में ऐसा दिया है कि 3 को सबसे डिवाइड किया हुआ है, तो -2/3, 1/3 एंड -2/3, दिस इज द यूनिट। अगर नहीं किया होता, वैसे ही रखा होता, तो हम वैसे रखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, ऑप्शन में डिवाइड बाय 3 किया है तो कर दिया हमने, क्लियर। चलो आगे की बात करें तो दूसरा सम उठाते हैं, नंबर 2 हमें दिया हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू, कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब एक्स बार दिया हुआ है हमें 2, 3 एंड y बार दिया हुआ है 5 -2, क्या है 5 -2, x दिया है 2, 3, y दिया हुआ है 5 -2, r ब्लैंक वेक्टर किस तरह के वेक्टर है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोडायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, पर बेसिकली ऑप्शन में 2 में से आने के चांसेस मैक्सिमम है। जब भी आपको पूछे तो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर के बारे में ज्यादा सोचिएगा। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पर्टिकुलर मेथड में सिखाऊंगा, ओके, तो आपको पता चल जाए कि किस तरह का वर्कआउट रहेगा। ऐसा कि भी एक्स बार इज इक्वल टू रिलेशन ऐसा है कि भाई के वाई बार, एक्स बार है बेटा 2, 3, के है, वाई बार है 5 -2। चलो ये 2, 3 के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5k - 2k, अब कंपैरिजन करो तो 5k = 2 - 2k = 3, तो k = 2/5, और इधर k = -3 सामने तो -3/2, तो k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अगर दोनों में k की वैल्यू सेम आती तो वो कोलिनियर माना जाता, क्या माना जाता है, कोलिनियर, बट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट, क्या है डिफरेंट, दैट मींस नॉन कोलिनियर, ओके, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर, समझ में आया। बस ऐसे ही एक्स बार इज इक्वल टू के वाई बार रख के ब्रैकेट तोड़िएगा, ब्रैकेट तोड़ के फिर वैल्यू डाल दीजिएगा के की, तो फिर मतलब कि अगर दोनों के की वैल्यू सेम आई तो कोलिनियर हुआ, नहीं आई तो नॉन कोलिनियर। तो आपको ये भी पता चला कब कोलिनियर कब नॉन कोलिनियर, ये एक हिंट मिली आपको। यूनिट वेक्टर जो बेसिक था जो सीखा आपने,
इसके अलावा एक और एमसीक्यू लेते हैं जिसमें छोटा मोटा कुछ वैल्यूएशन ढूंढना है। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हमारी बुक में भी है और हमने किए भी है। शॉर्ट एंड स्वीट एक हल्का सा एमसीक्यू लेते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कोसाइन की डायरेक्शन है अल्फा बीटा गामा ऑफ द वेक्टर, देन एक्स बार, हमको एक्स बार ढूंढना है। क्वेश्चन मतलब कि ऐसा दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू ढूंढनी है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है 1 cos 2 alpha + cos 2 beta + cos 2 gamma। चलो तो 1 plus इसकी वैल्यू लानी है, इतना बोला है। और ऑप्शन में ऐसे ही सिंपल वैल्यू दी हुई है 0, 1, -1 और 2। cos 2 alpha, 2 alpha का इक्वेशन है हम जानते हैं ऐसा, 2 cos square alpha minus 1, इसका करें तो 2 cos square beta minus 1 and 2 cos square gamma minus 1। चलो 1 और minus 1 गया, ये तीनों में से I hope that 2 common निकलेगा, तो cos square alpha प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा और माइनस वन दो बार बचा तो माइनस टू हुआ। आंसर तो आया नहीं क्योंकि हमको तो न्यूमेरिकल में चाहिए था। तो अभी भी कुछ मिसिंग है, कुछ लिखा हुआ जो हम ना समझ पाए या तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो देखिएगा सही से। अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर एक्स बार, क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर एक्स बार। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द एक्स बार, दैट मींस एक रूल्स था क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एक्स बार, तो मतलब कि उसका मोड मतलब कि होल स्क्वायर क्या होता है 1, ऐसा रूल्स था। और हमने भी आपको डायरेक्टली लिख दिया एमसीक्यू, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डालो वैल्यू बेटा। तो 2 ये पूरा 1 माइनस 2 तो 2 माइनस 2 दैट मींस 0 इज अ फाइनल आंसर। क्या है हमारा फाइनल आंसर, 0। बोल समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। दो तीन अलग अलग चीज आपको सिखाने की कोशिश की, मेथड भी रिवाइज किया, एमसीक्यू भी देखे, ऐसे ही सिस्टम के एमसीक्यू मैंने पिकअप किए हैं। अगेन सबसे पहले मैंने यूनिट वेक्टर सीखा, दूसरे में लीनियर कोलीनियर के बारे में पता चला, कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर। तीसरे में हमारे पास मतलब कि क्या है कि पूरा का पूरा एक इक्वेशन है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एक्स बार की यूनिट वेक्टर बोला है, तो इसका इज इक्वल टू 1 लिखकर फाइनल आंसर हमको मिल गया। बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी, अच्छे से समझ में आ जाए और पता चल जाए इस तरह का मतलब कि हमारे पास एमसीक्यू है। अब भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, नंबर 10 में भी और भी मेथड देखनी है, धीरे धीरे देखते जाएंगे, पर आपका मतलब कि ये एमसीक्यू का सेक्शन अच्छे से चलता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ तक अच्छे से रेडी करिएगा बड़ा आज के लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।